अर्थ प्रकाश न्यूज चैनल पर शिव कुमार जैन जो हरियाणा व्यापार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन हैं उनका स्वागत है। सर, भाजपा ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है, व्यापारियों को पेंशन देने का वायदा किया है, इस वायदे को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल ठीक वायदा किया है, और वायदा नहीं यह संकल्प है, और जो संकल्प भाजपा करती है उसे पूरा करती है। निश्चित रूप से सत्ता में आने पर केंद्रीय सरकार व्यापारियों के लिए पेंशन लागू करेगी, कोई दो राय नहीं। घोषणा पत्र में व्यापारियों के बीमा योजना का भी जिक्र है, वो कब शुरू हो सकती है सर? बीमा योजना जैसे घोषणा पत्र में संकल्प किया गया है कि वो जो जीएसटी में व्यापारी रजिस्टर्ड हैं उन छोटे उद्यमियों को, छोटे व्यापारियों के लिए 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा केंद्रीय सरकार की ओर से होगा। जीएसटी लागू होने के बाद में व्यापारी वर्ग में बड़ी नाराजगी देखी गई थी, नोटबंदी के समय भी देखी गई थी। बीजेपी का जो वोटर है, शहरी मतदाता है उनका, उनको कैसे वोट मिलेंगे, आप किस नज़रिए से देखते हैं जीएसटी और नोटबंदी को? देखिए, नोटबंदी के बहुत बड़े फायदे देश को मिले हैं, बहुत डिटेल की बात है। देश के अंदर पैरेलल करेंसी चल रही थी, विदेशियों ने बहुत अपने पंजे जमा रखे थे फेक करेंसी से, वो सारी फेक करेंसी ख़त्म हुई, देश में नई करेंसी से, पुराने नोटों के ख़त्म करने से, नोटबंदी से लोगों में जागृति आई, लोगों में एक उत्साह पैदा हुआ कि भी मोदी जी ने कितना बड़ा स्टेप लिया है देश के लिए। जहाँ तक जीएसटी का प्रश्न है, जीएसटी दुनिया के कितने ही मुल्कों में जीएसटी चल रहा है, ये शुरू में दिक्कत ज़रूर लगी इसमें, लेकिन धीरे धीरे जो भी दिक्कत आई व्यापारियों को उसकी अमेंडमेंट की गई और कई अमेंडमेंट्स हुई हैं। आगे भी व्यापारियों की जो मांग होगी उस मांग को देखते हुए जीएसटी में अमेंडमेंट की जाती रही। व्यापार कल्याण बोर्ड के गठन के बाद से हरियाणा के व्यापारियों के हित में आप लोगों ने क्या क्या कदम उठाए? व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना लगभग 1.5 वर्ष पहले हुई थी, यद्यपि मैंने अभी 1.5 महीने से ही चार्ज लिया है, पहले भी काम हुआ है। हमने एक तो ये निर्णय लिया है कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला लेवल पर भी व्यापार कल्याण बोर्ड की स्थापना करेंगे, और जिले के जो व्यापारी हैं उनकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो अधिकारी वही निपटा देंगे। इसमें कुछ सरकारी अधिकारी भी सदस्य होंगे और कुछ व्यापारी सदस्य होंगे, दोनों मिल बैठ करके हमारे सभी व्यापारियों की दिक्कतों को बड़े ध्यान से सुन करके उनका समाधान निकालेंगे। आपसे पहले गोपाल सणगर चेयरमैन थे, सुना जाता है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया व्यापारियों के लिए, फिर इस तरह के बोर्ड के गठन को आप किस नजरिए से देखते हैं, कोई फायदा है इस बोर्ड का? निश्चित रूप से फायदा है, उन्होंने काम किया, वो मंडियों में गए, उन्होंने सब मंडियों में, जितनी मंडियों में जा सकते थे उस समय में वो गए, वहाँ उनकी समस्याएं सुनी, समस्याओं का समाधान निकाला। आज भी ऐसा चल रहा है, जिस व्यापारी का हमारे पास कोई समाचार आता है, कोई टेलीफोन पर उनकी समस्या आती है, हम उसको तुरंत निपटाते हैं, और अधिकारी हमारी बात को सुन करके व्यापारी की उस समस्या का समाधान करते हैं। और हरियाणा सरकार भी, क्योंकि इस समय चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, उसके पश्चात हमने दुर्घटना बीमा का भी अपनी योजना सरकार के विचाराधीन चल रही है, उसकी भी शायद घोषणा इसके चुनाव आचार संहिता के समाप्त होने पर की जा सकती है। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा समय आपके पास नहीं है, ऐसे में आप चेयरमैन के तौर पर क्या क्या काम करना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, सबसे पहला तो ये जो समय जितना भी मिलेगा उसमें ऐसी कुछ नीतियाँ जिनके कारण से किसी व्यापारी को दिक्कत आती है, और हमारा काम भी यही है कि हम नीतियों की समीक्षा करें, अगर किसी विभाग में किसी नीति के कारण व्यापारी की कोई दिक्कत आती है व्यापारियों को, तो हम उसको जो सामूहिक दिक्कत आती है उसे सरकार के पास विचार करने के लिए भेजें और उसको ठीक करवाएं, हम इस तरह का प्रयास करेंगे। और जो भी
हमारी नीतियाँ बनेंगी वो व्यापारियों के हित में होंगी और व्यापारियों को दुर्घटना बीमा भी मिलेगा और व्यापारियों का जो मैं कह चुका हूँ वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी समितियाँ बनेंगी। व्यापारियों को कोई तकलीफ हरियाणा में हम रहने नहीं देंगे और सभी व्यापारी इस भाजपा की सरकार को बड़े आदर से देखते हैं। मनोहर लाल जी की सरकार ने जो काम किया है, अब तक जितनी भी सरकारें बनी हैं, जितने भी लाल हुए हैं, चाहे वो भजन लाल हुए हैं, चाहे वो देवी लाल हुए हैं, चाहे वो बंसी लाल हुए हैं और अंत में हमारे मनोहर लाल हुए हैं, इन सब के ऊपर से मनोहर लाल जी ने हाथ फेर दिया है। इतनी लोकप्रियता किसी को नहीं मिली जितनी हमारे श्री मनोहर लाल जी को मिली है। मनोहर लाल जी दिल के इतने सच्चे और सुच्चे इंसान हैं कि आज हर विपक्षी को भी ये कहना पड़ रहा है भाई मनोहर लाल जी हैं तो ईमानदार आदमी, एक नंबर ईमानदार आदमी, और जो ईमानदार ऊपर ईमानदार बैठा होगा तो नीचे ईमानदारी चलेगी, अगर ऊपर बेईमान आदमी होगा तो नीचे से बेईमानी चलेगी, ऊपर अगर ईमानदार है तो कोई अधिकारी कोई बेईमानी नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार धीरे धीरे बिल्कुल घटता जा रहा है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसे मुख्यमंत्री को पाकर के हरियाणा की जनता प्रसन्न है। अर्थ प्रकाश न्यूज से बात करने के लिए जैन साहब शुक्रिया, धन्यवाद आप जी, धन्यवाद आप। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।